शिमला के मशहूर ग्रैंड होटल इमारत में देर रात आग लग गई। आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक ग्रैंड होटल भवन केंद्रीय सरकार का अतिथि गृह है। शिमला की धरोहर इमारतों में शुमार ये भवन। एक बार पहले भी आग की भेंट चढ़ चुका है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। शिमला की मशहूर ग्रैंड होटल इमारत में देर रात भीषण आग लगी। केंद्र सरकार का अतिथि गृह है ऐतिहासिक ग्रैंड होटल भवन। शिमला की धरोहर इमारतों में शुमार ये भवन एक बार फिर आग की भेंट चढ़ा है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 20 से ज़्यादा कमरों वाले ग्रैंड होटल का नया ब्लॉक आग की भेंट चढ़ गया है। हालांकि मौके पर पुलिस, फायर और सेना के जवानों ने भरसक प्रयास आग बुझाने के लिए किए, लेकिन लकड़ी की बनी इस इमारत ने एक बार आग पकड़ी तो भवन को राख करके ही वे शांत हुई। मौके पर 5 अग्निशमन के फायर टेंडर काम कर रहे थे। डीसी शिमला ने कहा कि आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन जानकारी के मुताबिक होटल के इस हिस्से में जो वीआईपी एरिया बताया जाता है, रिपेयर का काम चल रहा था। शिमला जिला उपायुक्त मौके पर पहुंचे और पूरी व्यवस्था की निगरानी खुद की। आधा दर्जन फायर टेंडर आग पर काबू के लिए लगे थे। फिलहाल जानी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। शिमला में जो आग लगी है कितनी पुरानी बिल्डिंग है, इस तरह के हादसे करीब 1:07 में बताया गया कि फायर का आउटब्रेक हुआ। ये रिसेप्शन ब्लॉक है ग्रैंड होटल का, और इमिडिएटली जैसे सूचना मिली तो फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आईटीएफ विभाग, प्रशासन सभी जो है अपना एक्ट टुगेदर करके आप देख रहे हैं 1 घंटे के अंदर जो है फायर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। और बताया गया कि यहाँ पर रिपेयर का काम चला हुआ था और ड्राइव ऑफ हिस्सा है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि कोई किसी तरह का कोई इंजरी या उस तरह का। और 5 फायर टेंडर्स हैव बीन प्रेजेंट टू सर्विस, और आर्मी से भी एक कॉलम जो है यहाँ पर इनके मेजर साहब खुद खड़े हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और सबके सहयोग से जो है ये मेजर जो ये फायर आग देने की घटना थी उसके ऊपर कंट्रोल जो है लग रहा है कि हमें मिल गया है। क्या कारण लगा इसमें अभी कारण का नहीं पता है, क्योंकि ये सीपीडब्ल्यूडी विभाग का है और अभी इनसे पूछा जाएगा। बट ये कि कंट्रोल में आ गए, हमारा पहले तो यही रहता है कि इसको कंट्रोल में लाना, रेस्क्यू, तो वो सब जो है आपके सामने ही है कि काफी बखूबी जो है सभी विभागों ने मिलके इमिडिएटली जो है फर्स्ट कार्रवाई। हेरिटेज बिल्डिंग क्या ये शिमला में एक हेरिटेज बिल्डिंग थी? हाँ, ये बताया गया कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है जो यहाँ हमारे पुरानी धरोहर है उनमें से एक भवन है, और बड़ा दुख का विषय है कि हमारा धरोहर जो है एक उसमें आग की भेंट हो गया है। परंतु हमें पुराने इनको लेसन भी सीखे होंगे, क्योंकि पहले भी बताया गया कि ग्रैंड होटल में इससे पहले भी 2-3 इंसिडेंट जो है फायर के हुए हैं, और थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा।